हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। और साथ ही फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि इसमें जो आवेदन करते समय कितने पेज लगते हैं और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई। तो कंप्लीट पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हर एक स्टेप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करने से पहले इसका जो नोटिफिकेशन, उसको एक बार आपको अच्छे से रीड करना है। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्या इसके लिए पात्रता रखी गई, तो आपको जो है यह नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद में आपको अपने फ़ोन में कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको लिख के सर्च करना है SSO। तो इतना लिख के आपको यहाँ पे सिंपल सा सर्च कर लेना है। उसके बाद में आपके सामने SSO की कुछ इस प्रकार से वेबसाइट देखने को मिल जाती है, तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने SSO लॉगिन का इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अगर आप पहली बार इसमें लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपल सा आपको इसमें अपने जो जन आधार आईडी या अपने जो जीमेल आईडी, उसके माध्यम से इसमें आपको लॉगिन करके अपनी SSO आईडी क्रिएट कर लेना। या फिर आपने पहले SSO आईडी बना रखी थी, यहाँ पे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो SSO आईडी डाल देना। उसके बाद में कैप्चर कोड और पासवर्ड डाल के आपको सिंपल सा लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने SSO का कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। सिंपल सा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, रिक्वायरमेंट पोर्टल। तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। सिंपल सा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको सिंपल सा नीचे आना है। और नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो सिंपल सा आपको अप्लाई नए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने पोस्ट परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन आ जाता है। आप सिंपल सा जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ बेसिक कंप्यूटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सीनियर कंप्यूटर के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से बेसिक डिटेल वाला ऑप्शन आ जाता है। सिंपल सा यहाँ पे आपको अपनी जो बेसिक डिटेल है वो अपने टेंथ की मार्कशीट में से यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पे एंटर कर लेना। तो इस प्रकार से आपको जो अपना नाम है वो यहाँ पे आपको एंटर कर लेना। उसके बाद में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, तो आपको यहाँ पे अपना जेंडर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आपको अपने पिता का नाम जो है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना या एंटर कर लेना है। पिता का नाम एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको अपने मदर्स का नाम देखने को मिल जाता है। आपकी टेंथ के मार्क में जो भी आपकी मदर्स का नेम वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। मदर्स नाम एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको सिंपल सा कैलेंडर के माध्यम से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने। तो आपको जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर एज जो है वो 2023 के अनुसार यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो आपको इसको एंटर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद में यहाँ पे आपको कैटेगरी देखने को मिल जाती है, आपकी जो भी कैटेगरी हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी। उसके बाद में यहाँ पे आपको स्पेशल कैटेगरी के बारे में पूछा जाता है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आपको इसमें से वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ पे आपको धर्म वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको अपना जो धर्म वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपसे वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछा जाता है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, तो वो आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। हम यहाँ पे अनमैरिड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे मैरिड करते हो तो यहाँ पे आपको अपने जीवन साथी का नाम भी यहाँ पे आपको एंटर करना होता है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे जीवित बालकों की संख्या के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको 00 सेलेक्ट कर लेना अगर आप अनमैरिड करते हो तो। अगर आप मैरिड करते हो तो यहाँ पे आपको 2002 से पहले जन्म हुए बच्चे की संख्या यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद में जन्म हुए बच्चे की संख्या यहाँ पे आपको एंटर करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आधार आईडी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अपने आधार आईडी और मोबाइल नंबर आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है TSP एरिया के बारे में, तो अगर आप TSP एरिया से हो तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एड्रेस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको कंप्लीट अपना जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
करंट एड्रेस एंटर करने के बाद में अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम हो तो आपको यहाँ पे सेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो आपका जो करंट एड्रेस वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एंटर हो जाएगा। तो सिंपल से आपको एक बार अपनी जो डिटेल हो एक बार अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद में सिंपल से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको अपनी राष्ट्रीयता सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको अपना जो होम स्टेट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। होम स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पे आपको सर्च करके अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपसे होम ब्लॉग पूछा जाता है, आपका जो भी होम ब्लॉग लगता है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है या सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर अपनी जो तहसील है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना विलेज सर्च करके इसमें आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप पूर्व में किसी अदर कंट्री में निवास करते थे, तो यहाँ पे आपको नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। अगर आप पहले किसी अदर कंट्री में निवास करते थे तो यहाँ पे आपको येस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे स्पेशल कैटेगरी के बारे में पूछा जाता है, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो यहाँ पे आपको यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर आप स्पोर्ट पर्सन हो या फिर आपके पास में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, उसकी जो डिटेल है यहाँ पे आपको मेंशन करना है, नहीं तो आपको नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप एनसीसी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास एनसीसी की डिग्री है तो आपको यहाँ पे यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उसकी जो डिटेल हो आपको यहाँ पे मेंशन करने आते थे। इस प्रकार से आपको जो ये कंप्लीट डिटेल दे। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप भूतपूर्व कैदी हो तो यहाँ पे आपको नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो अगर आप किसी सरकारी दफ्तर या कार्यालय में काम करते हो तो यहाँ पे आपको यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद में अपनी जो डिटेल हो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। अगर आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो यहाँ पे नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। उसके बाद में यहाँ पर आपसे फैमिली इनकम के बारे में पूछा जाता है, अगर आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पे आपको यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको यस वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको जो इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको प्रस्तुत करना होता था, इस प्रकार से जो ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे एडिशनल कैटेगरी के बारे में पूछा जाता है, अगर आप इनमें से किसी के लिए एलिजिबल होते हैं आपको इनमें से सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको यह ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद में सिंपल से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वालिफिकेशन डिटेल वाला ऑप्शन आ जाता है। सिंपल सा यहाँ पे आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, अपनी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको 10th वाले जो डिटेल है वो आपको मेंशन कर देने हैं, उसके बाद में 12th वाले आपको जो डिटेल है यहाँ पे आपको मेंशन कर देने हैं। उसके बाद में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर आपके पास में बीएससी बीएचलर या इनमें से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है तो वो आपको यहाँ पे अपनी जो एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो सबसे पहले हम 10th की जो क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट ग्रुप में ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हो या फिर आपके जो 10th में जो भी सब्जेक्ट रहे वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम दे देना है, उसके बाद में अपने रोल नंबर और अपना जो परिणाम है वो आपको अगर CGPA में है या ग्रेड में है परसेंटेज में वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपको उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने प्रतिशत दे देने, तो हम वीडियो स्किप करके 10th और 12th की जो डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो आपको 10th और 12th के जो डिटेल वो आपको मेंशन कर देने, सबसे पहले यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ग्रुप में अपने जो सब्जेक्ट है वो दे देने, उसके बाद में बोर्ड का नाम, उसके बाद में रोल नंबर, उसके बाद में आपको उत्तीर्ण होने का वर्ष और अपनी परसेंटेज यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेने या एंटर कर लेने। अगर इनमें से आपकी कोई डिटेल गलत मेंशन हो जाती है तो यहाँ पे आपको सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी जो डिटेल दोबारा आपको फिल कर देने। उसके बाद में सिंपल सा आपको 12th की डिटेल भी इसी प्रकार से जो है वो आपको मेंशन कर देने। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है अपने डिग्री या डिप्लोमा के बारे में, अगर आपने BSc कर रखी है किसी कंप्यूटर साइंस से तो आपको BSc वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर आपने BE या BTech या इनमें से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर आपने BCA कर रखी है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में जो कंप्यूटर लेवल पर कोई सा भी एक ए लेवल का या ओ लेवल का कोई सा भी डिग्री या डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। तो इस प्रकार से आपके पास में कंप्यूटर में ओ लेवल या ए लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट हो तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद में यहाँ पे आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर सकते हो, अन्यथा यहाँ पर आपको BCA BTech या BCA वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर BSc कर रखे तो यहाँ हम BSc वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट ग्रुप एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको अपने बोर्ड का नाम है तो वो दे देना है।
उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे से एंटर कर लेना। उसके बाद में अगर आप अपेयरिंग में हो तो आपको यहाँ अपेयरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको परसेंटेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से अगर आप अपेयरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन बंद हो जाता है या क्लोज हो जाता है, तो इसको आपको एंटर करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद में अगर आप और भी क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सिंपल से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से फोटो और सिग्नेचर वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको अपना जो फोटो है वो अपलोड कर देना। फोटो की जो साइज है वो 50 KB से 100 KB के बीच में आपको रखनी। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अपलोड करने, तो सिग्नेचर की जो साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच में आपको रखनी है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो फोटो है अपलोड कर लेने। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में यहाँ पे आपको बॉडी मार्क वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार कोई मार्क नहीं है तो यहाँ पे आपको नो मार्क को सेलेक्ट कर लेना। तो इस प्रकार से आपको ये एंट्री कर देना है। उसके बाद में सिंपल से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से एप्लीकेशन प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट डिटेल वो एक बार अच्छे से चेक कर लेने, आपने जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल और अपने जो बेसिक डिटेल वो एंटर की उनको एक बार अच्छे से चेक कर लेना। सिंपल से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आपकी फीस सबमिट हो जाती थी यहाँ पे आपको ग्रीन टिक शो हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन वाला पेज देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करके सिंपल सा फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में सिंपल सा आपको इस प्रकार से डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपल सा एक बार वापस से आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से फीस पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको अपनी जो टोटल फीस है वो देखने को मिल जाता है। आपकी जो भी फीस लगती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो उसके बाद में सिंपल से आपको पे फीस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में सिंपल से आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग और एग्रीगेटर वाला ऑप्शन आ जाता है। अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट कर देना है। अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल सा नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है। तो आपको जो भी बैंक लगता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपल सा आपको पे नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो पेमेंट के लिए इस प्रकार से आपका नेट बैंकिंग वाला जो पेज ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के अपना जो कंप्लीट पेमेंट वो इस प्रकार से यहाँ पे आपको कर लेना है। तो इस प्रकार से आप कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए अपना जो आवेदन वो कर सकते हो। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट पर बता सकते हो।